नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उपचुनाव हो रहे हैं तीन जगह पे। देहरा का उपचुनाव सबसे महत्वपूर्ण उपचुनाव है क्योंकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर वहां से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि भाजपा ने निर्दलीय विधायक से इस्तीफा दिलवाकर जो वहां से चुने गए थे होशियार सिंह उनको टिकट दिया है और अपनों को नाराज किया है। और सबसे ज्यादा नाराजगी जाहिर की है रमेश धवाला ने, जो वहां से पिछली बार प्रत्याशी थे, पूर्व मंत्री रहे हैं, बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, ओबीसी वर्ग के भी नेता हैं, बड़े भाजपा के बड़े नेता हैं। अब धवाला जी किसके साथ हैं, ये सवाल आजकल उठ रहा है कि वो कहीं कांग्रेस के साथ तो नहीं है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी के लिए ना वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हालांकि उनका कहना है कि उनको धक्के मार मारकर बीजेपी ने बाहर निकाल दिया है। पिछले दिनों हमने चर्चा की थी कि रविंदर रवि और रमेश धवाला दोनों को बीजेपी ने अंदरूनी तौर पर रिटायरमेंट दे दी है, यही कारण है कि दोनों चुनाव के नजदीक नहीं फटक रहे हैं। रविंद्र रवि जी तब आते हैं देहरा उपचुनाव में जब अनुराग ठाकुर भी आते हैं, लेकिन रमेश धवाला बिल्कुल घर बैठे। और उन्होंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया, बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया, और उसमें बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व, जो नई बीजेपी है, उसको उन्होंने काफी कोसा है और उन्होंने कहा है कि ये दिन ऐसी नौबत आ गई कि ऊंट पर बैठकर भीख मांगनी पड़ रही है। यानी कि देश भर में भाजपा अच्छे स्थान पे है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ जो किया जा रहा है मैं सूद सहित तो लौटाऊंगा भी। जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री के 5 सालों के कार्यकाल को उन्होंने घेरा, उसी दौरान जो संगठन का ढांचा रहा उसको भी उन्होंने घेरा है, और जो निष्कासन उनके समर्थकों के और अन्य भाजपा नेताओं के अभी उपचुनावों के दौरान और पहले हुए हैं उसको लेके काफी कोसा। और उन्होंने कहा है कि ये पहली बार निर्दलीय विधायक मैं चुना और मेरे समर्थन से ये सरकार बनी, मैंने इस बगीचे को सींचा है, लेकिन अब ये बाग उजड़ रहा है। तो काफी बातें हैं ये, और ये सारी बातें देहरा उपचुनाव को तो किस तरफ ले जाएंगी, क्योंकि धवाला का नाराज होना देहरा पे तो असर डालेगा डालेगा, कहीं ना कहीं वो हमीरपुर में भी कुछ अपना झटका देगा, कुछ नालागढ़ में देगा, क्योंकि वो बड़े नेता रहे हैं। तो आइए आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कुशल जेठी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रवक्ता हैं हिमाचल प्रदेश के, राकेश शर्मा जी हैं भाजपा के राज्य प्रवक्ता हैं, उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो उदयवीर जी, ये इंटरव्यू आपने लिया और बड़ा चर्चा में इंटरव्यू ये चल रहा है, और आपसे और भी कई बातें हुई होंगी जाहिर है, तो आपको लगता है कि रमेश धवाला इस समय ऐसे मंच पे खड़े हो चुके हैं कि जो मंच सीधे सीधे कांग्रेस की मदद कर रहा है, जो इनका चाहिए इंटरव्यू है, चाहे वो पिछले दिनों एक उनके बयान भी थे। जी उदयवीर जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि रमेश धवाला एक बहुत बड़े कद के नेता हैं और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता, तो यही वजह रही रही मंच की बात। तो दुख की बात तो ये है, अगर मैं बींग ए कॉमन मैन और जर्नलिस्ट होने के जो एक मेरा है उसको भी एक तरफ रख दूं, तो ये एक हकीकत है कि जिस बीजेपी को धवाला की वजह से सत्ता में बैठने का मौका मिला था और जितनी प्रताड़ना शायद अकेले जय इन्होंने धवाला जी ने सही थी, उतनी कुल मिलाकर भाजपा के किसी भी नेता ने जो दूसरा दल होता है उससे नहीं सही होगी। और यही वजह है कि अब धवाला साहब उस मूड में आ चुके हैं, जो ये साफ इशारा कर रहा है कि धवाला साहब का जो एक आदर होना चाहिए था या जो उनकी एक वैल्यू है, पॉलिटिकल वैल्यू है, सोशल वैल्यू भी है उनकी, तो जब उसको भाजपा के आला नेताओं ने दरकिनार कर दिया तो ये तय था, चाहे धवाला मान लीजिए किसी और दल में भी होते और उन और भी किसी नेता के साथ ऐसी हरकत होती तो जाहिर सी बात है वो ऐसा ही करते, क्योंकि देहरा में होशियार उन्हें मनाऊंगा, उनके पांव छूकर घर लाऊंगा, उनको चुनाव में लेके चलूंगा। लेकिन बहुत हैरानगी की बात है डॉक्टर साहब कि वहां पर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप के नेता गए उनसे बात करने के लिए, लेकिन कोई जो अभी तक कथित तौर पर फर्स्ट लाइन में घुसने के लिए तैयार जो नेता है ना तो वो गए और ना ही वो नेता गए जो अभी तक फर्स्ट लाइन में बैठे हुए हैं। और हैरानगी की बात यह है कि जो धवाला साहब हैं वो वही आईना दिखा रहे हैं जो खुद भाजपा ने उन्हें दिखाया था, सेम तरह का आईना। उनका सीधा सा कहना था कि अगर आप एक बागी को इतना कुछ अहमियत दे सकते हैं तो दूसरी तरफ जरा कांग्रेस से भी सबक ले लीजिए, क्योंकि देहरा में डॉक्टर राजेश शर्मा भी चुनाव में उतरे थे और उन्होंने भी बगावत की थी, लेकिन जैसे तैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें मनाया,
उन्हें बराबर अपने साथ खड़ा किया, तो सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये देहरा में भी एक आम सवाल बन चुका है आम आदमी का कि धौला साहब के साथ बेरुखी क्यों। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बेरुखी को कौन तैयार कर रहा है, क्या वो खुद कांगड़ा के नेता हैं या प्रदेश स्तर की जो लीडरशिप है वो नेता है। तो इन तमाम पहलुओं को अगर देखें तो इसमें ये साफ नजर आ रहा है कि धौला साहब अब आर पार की लड़ाई तो छोड़िए, भाजपा का जो बेड़ा है उसको ही एक तरह से एक किनारे पे रखने के मूड में हैं। डॉक्टर साहब जी, उन्होंने कहा है कि मेरे साथ जो हुआ, मैं जब मंत्री रहा मैंने जयराम ठाकुर जी के हलके को भी काफी धन उपलब्ध करवाया अपने विभागों से, जब मेरी बारी आई तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी गई, और जिस कारण मैं हाशिए पर रहा पूरे 5 साल। और उन्होंने स्पष्ट कहा है ठीक है मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया इन्होंने, लेकिन मैं सूद सहित सब लौटाऊंगा। तो क्या आपको लगता है कि रमेश धवाला कोई भविष्य की कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? प्लानिंग का तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये पक्का है कि जिस तरह का धौला साहब का कद रहा है उस कद के लिहाज से वो वार तो हर सूरत में भाजपा पर करेंगे, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू चल रहा था तो धौला साहब ने एक बात कही थी कि मैं वो पहला आदमी हूं जो कि ओक ओवर में 2.5 महीने रहा था। तो यहां से ये पता चल जाता है कि धौला की कीमत उस दौर में कितनी थी और इस दौर में भाजपा के लोगों ने कितनी छोड़ी हुई है। ओक ओवर मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास स्थान होता है और धौला साहब पहले आदमी थे और हैं जो ओक ओवर में 2.5 महीने रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री का आवास होता है। आप खुद सोचिए डॉक्टर साहब कि जिस व्यक्ति की अहमियत को, चाहे वो एक तरह से राजनीतिक जरूरत ही थी, उसके बावजूद अगर ओक ओवर में धौला को रखा जाता है, धौला वहां पर रहते हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है। और शायद अब ऐसी ही वजह है कि कांगड़ा में भाजपा का जो एक तरह से मैं कहूं कि जो भरोसे का पैमाना है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है पूरे प्रदेश की तरह, क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं उनका सेम यही कहना है, मतलब एक ही राय है उन सबकी कि हमारे ऊपर जो ये थोपने की मुहिम शुरू की गई है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इन हालात में धौला साहब को बहुत बड़ा एक बैकअप जो है, बीजेपी भले उन्हें कल को निष्कासित कर दे या कुछ भी कर दे, लेकिन धौला का डाला हुआ जो टेंट है, एक आपने जिक्र किया ओबीसी का, ओबीसी नेता होने का कोई दो राय नहीं है कि धौला साहब की ओबीसी के साथ साथ जो अन्य वर्ग हैं उनमें भी अच्छी पैठ है। और जिस तरह से ये बीजेपी का ताजा पैटर्न है उसकी वजह से आज शायद यही हालात हैं कि देहरा में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, उनको तैनात करना पड़ा। डॉक्टर साहब आप इसको देखेंगे, जिम्मेदारियां चिन्हित करनी पड़ी, तो इससे ज्यादा मजबूर भाजपा क्या होगी वहां पर, डॉक्टर साहब अंदाजा लगाया जा सकता है। जी राकेश जी जुड़े हमारे साथ। राकेश जी देखिए, रमेश धवाला का राजनीतिक कद यही था कि उस कद की एक सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं उनका कद इसलिए बड़ा, वो भाजपा में थे, टिकट नहीं दिया गया, निर्दलीय जीते और एक निर्दलीय के सारे आपकी सरकार बनी, जो आप लोगों पर ढैया लगा हुआ था। शांता कुमार जी ढैया वाले मुख्यमंत्री थे दोनों बार, ठीक है, उन्होंने कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं किया और 5 साल सरकार चली, धवाला के समर्थन से चली, HVC के समर्थन से चली, वो एक श्रेय जाता है। उसके बाद अगली बार जब सरकार आती है तो धूमल साहब उनको फिर से कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, लेकिन जब धूमल साहब हार जाते हैं तो जयराम जी आते हैं, ना उनको मंत्री बनाते हैं। और एक उन्होंने कहा कि मेरे साथ जलालत वाला व्यवहार किया गया है, अड़ोसियों पड़ोसियों को खूब दिया गया, सब कुछ दिया गया विकास के लिए, लेकिन ज्वालामुखी का विकास, उस समय वो ज्वालामुखी से विधायक थे, शून्य पे लाकर खड़ा कर दिया गया। ये बातें भी जाहिर है चुनावों के दौरान उठ रही हैं। और रमेश धवाला, ये देहरा वही हलका है कि देहरा नगर परिषद और आसपास की कई पंचायतें पहले ज्वालामुखी में होती थी, जो अब गई हैं देहरा हलके में, प्रभाव है उनका कहीं ना कहीं, तो ये आपके चुनाव को तो प्रभावित करता हुआ सीधा सीधा दिख रहा है। जी राकेश जी। जी डॉक्टर साहब, धवाला साहब हमारे बहुत बड़े कदावर नेता हैं और कदावर नेता के साथ साथ में मेरा पर्सनली उनके साथ बहुत प्यार है और मैं उनको मानता भी हूँ, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई है कि ये परिस्थितियां कैसी आई कि जो 6 कांग्रेस के विधायक थे और 3 इंडिपेंडेंट लोग थे, इन्होंने जो राज्यसभा मेंबर के लिए वोटिंग की
उसके साथ साथ में सारा ये एपिसोड जो है उत्पन्न हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने वो व्यक्ति दे दिया जो राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में खड़े थे, उनको यहाँ पे राज्यसभा के लिए इन्होंने नॉमिनेट कर दिया और हमने यहाँ का धरती पुत्र हर्ष महाजन दिए। अब वो लोग कह के आए कि भैया होशियार सिंह ने भी पूछा था उस वक्त कि आप अगर जीत जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश के लिए क्या काम करेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये एपिसोड पीछे से चलता हुआ आ रहा था और इन्होंने जो रिजाइन दिए और जो आज की डेट में ये पहले 6 उपचुनाव और उसके बाद में ये 3 उपचुनाव ये सब कांग्रेस की देन है और यहाँ से वो राज्यसभा के मेंबर जीते और वो चले गए। उसके उपरांत पहले सांसद के साथ में इसके विधानसभा के 6 कर दिए। अब ये चाहते थे कि उसी के साथ हो जाते लेकिन उन्होंने और जनता पे बोझ डाल दिया और एक बार फिर से ये चुनाव जो उपचुनाव है 3 ये होने पड़े। अब धवाला जी की बात आते हैं, वो सीनियर लीडर हैं, वो अपनी ही बातों में कुछ ना कुछ कह जाते हैं। जैसे उदयवीर भाई ने इंटरव्यू लिया, कुछ सवाल पूछे तो वो भी अपने मस्त मोलन अंदाज में वो देते हैं और ऐसा नहीं है उनके पास कोई गया नहीं। वो हमारे बहुत बड़े कद्दावर नेता डॉक्टर राजीव बिंदल जी गए, हमारे डॉक्टर हंसराज जी गए, हमारे विपिन परमार जी गए, राकेश जम्वाल जी गए और बहुत से हमारे नेता उनके पास गए और उन्होंने ये भी कहा है इनके इंटरव्यू के माध्यम से कि हमारे सब वोट जो है वो भाजपा को ही है, मैं भाजपा के कैंडिडेट को भी शुभकामनाएं देता हूँ। 26 वोटों की बात की है उन्होंने, 26 वोट है मेरे परिवार के, वोट दे देंगे। 26 वोट है, 26 वोट तो दे रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है सर? इसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर द्वारा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका परिवार आशीर्वाद दे रहा है तो बाकी साथीगण भी आशीर्वाद देंगे। ये भी एक समझने की बात होती है सर और मुझे लगता है निश्चित तौर पे द्वारा जी आशीर्वाद देंगे और आने वाले समय में वो भी साथ चलेंगे और भाजपा के होशियार सिंह को आशीर्वाद देंगे और उनकी जीत सुनिश्चित कराएंगे। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। अगर यहाँ पे देहरा की बात की जाए तो यहाँ पे तो कांग्रेस सरकार का अब भाभी खड़ी होगी है, हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसके मुख्यमंत्री ने ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं कि गांव गांव में पुलिस लगा दी है, गांव गांव में नाका लगा दिया है और वो छोटे छोटे बच्चों को भी डरा धमका रहे हैं वहां के। हमारे भाजपा के प्रत्याशित प्रधान, उनके घर वाले को इलेक्ट्रिक लगा हुआ, उनकी ट्रांसफर कर दी गई है। नहीं, चुनाव के दौरान कैसी ट्रांसफर, समझ नहीं आ रहा मेरे को। सर इससे पहले ट्रांसफर कर दिया, वो बाहर चले गए हैं क्योंकि नोटिफिकेशन तो अभी हुई है, ये आना था और प्रधान जी बोलते हैं कोई बात नहीं कि ये इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, ये डरा रहे हैं सर। 1 लाख लोगों को रोजगार तो दे नहीं पाए लेकिन अब गांव गांव में जाके युवाओं को ये कह रहे हैं कि इनको जताओ आपकी नौकरी पक्की, इनको जताओ आपकी नौकरी पक्की, नहीं है तो मैं इसके वीडियो भी खींच के आपको भेज दूंगा। जनता परेशान है, रिजल्ट नहीं, कोई निर्वाचन आयोग के पास क्यों नहीं जा रहे आप लोग, निर्वाचन आयोग के पास क्यों नहीं दरवाजा खटखटा रहे आप लोग? सर वो जा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, ऐसी क्या चिंता है, वो भी सब करेंगे। और होशियार सिंह ने पिछले 5 सालों में 6 दिन में हेलो 6-7 दिन रह गए, अब तो क्या करेंगे 6-7 दिन में? आप सर जा रही है, जो 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 कंप्लेंट है वो कंप्लेंट चुनाव आयोग को हम दे रहे हैं, सारे इसके ऊपर तय तक जाएंगे। दूसरी बात, जो होशियार सिंह ने इस देहरा के लिए काम किया हुआ है वो 1000 करोड़ से ऊपर से लेके उन्होंने काम किया हुआ है। 1.5 साल में मुख्यमंत्री जी बताए कि 1.5 साल में देहरा के लिए क्या किया, देहरा में कितनी बार वो आए। और होशियार सिंह जी 5 साल जयराम की सरकार में उन्होंने करोड़ों के काम करवाए, करोड़ों के काम करवाए और आज में मैं देख रहा हूँ बहुत से काम बचे हुए हैं। चलिए काम बचे वाले, आपने कहा कि द्वाला हमारे लिए बहुत बड़े नेता हैं और सम्मानीय नेता हैं, लेकिन द्वाला जी का कहना है कि जयराम ठाकुर जी ने जब 1.5 वर्ष से उनसे बात तक नहीं की एक भी बार, इतने बड़े नेता थे, आपका नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री 1.5 वर्ष तक संवाद ही ना करे तो काय के बड़े नेता हुए।
मैं इस बात से भी नहीं मानता हूं, क्योंकि मीटिंगों में ध्वाला जी भी आते हैं, जयराम जी भी आते हैं, बातचीत होती रहती है। हाँ, कोई स्पेशल फोन ना किया गया हो इसका मुझे अंदाजा नहीं है, ये उनके बीच की बात है। लेकिन मैंने कई बार देखा है ध्वाला जी हमारी मीटिंगों में भी आते हैं, जो हमारी कांगड़ा जिले की हो, प्रदेश की हो, उसमें भी बातचीत होती है और सभी नेताओं से बातचीत होती है, तो ऐसा तो कुछ है नहीं इस बीच में। नहीं, इससे बड़ी जलालत क्या होगी। द्वाला साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव था, मैंने बैठक करने के लिए समर्थकों के साथ आपके डेरा, आपने एक बहुत आलीशान और अच्छा एक कार्यालय बनाया पार्टी का, वहां गया तो वहां ताला लगवा दिया गया आपके जिलाध्यक्ष द्वारा। आपने उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया, ना डॉक्टर राजीव बिंदल ने लिया, ना अन्य शीर्ष नेतृत्व ने लिया। तो ऐसा आदमी तो फिर इस तरह की बातें करेगा ही करेगा, जो उसके दिल में गुबार होंगे वो निकालेगा ही। नहीं सर, ऐसा हो सकता है कि वहां मीटिंग ने रखी हो, एकदम से पहुंच जाए, वहां ताला लगा हो, ये अलग सी बातें हो सकती है। इसमें इस बीच में नहीं, मैं ढाबे में जानना मीटिंग करनी चाहूंगा, और पड़ी इसकी उनको, जानकारी भी उन्होंने मुझे स्पष्टता थोड़ा है कि है मुझे नहीं। ढाबे में मीटिंग करनी पड़ी, और जो मेरे साथ लोग काम करते रहे उनका निष्कासन तक कर दिया गया। ये भी एक बड़ी वजह दे रहा मैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, सरकार, ठीक है, मैं सरकार देख मशीनरी का दुरुपयोग भी करेगी, सदुपयोग भी करेगी, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं हाफ इसलिए रही है कि भाजपा की गलतियां दिख रही हैं, उसका अपने नेता, अपना काडर नाराज है। नहीं सर, ऐसा है कि मैं भी 30 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं, और बहुत से पुराने लोग जो डेरा में रहते हैं, डेरा में काम करते हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। जिन बूथों में मैं जा रहा हूँ वहां पे बहुत पुराने पुराने लोग हैं, 30 30 साल से काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो मेरे ध्यान में कुछ है नहीं। कुछ छोटी मोटी, देखो ना, छोटी मोटी वो तो कांग्रेस के अंदर भी होगी, भाजपा के अंदर होगी, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, कोई मुंह से बोल देते हैं, कोई नहीं बोलते हैं, ये बहुत बड़ा कारण रहता है। और मुझे जी लगता है जिस तरह चलिए, से यहाँ का देहरा का कोई भी कांग्रेस का व्यक्ति, कोई भी कांग्रेस का यहाँ से कैंडिडेट नहीं चुना गया, एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि देहरा के कांग्रेस के लोगों की ये नालायकी है कि वो इतने समझदार नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकें, इतना कोई काबिल कार्यकर्ता नहीं है यहाँ पे। वहां से नदौन से हमारी भाभी जी यहाँ आई, जो मैं पूछा था कि मायके कहाँ है, बोले जी पता नहीं कुतान, हाँ जो पता नहीं इस बारे में, माइक के ना पुराने माइक कभी रहते होंगे तो रहते होंगे, अदरवाइज ऐसे पहाड़ी भाषा में वो बात करते हैं हमारे साथ, तो ऐसी सारी परिस्थितियां सर। चलिए चलिए, जेठी जी भी जुड़े हैं, जेठी जी का भी लेते हैं। जेठी जी, वहां पे आप पे एक ही इल्जाम है, ठीक है, द्वाला साहब का ये इंटरव्यू और बार बार मीडिया के अंदर बोलना कहीं ना कहीं एक बैसाखी बनती जा रही है, एक जीत की बैसाखी कह लीजिए इसको। उससे अब लोग सोचने को मजबूर हो गए कि द्वाला साहब कांग्रेस के हैं या भाजपा के हैं, एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को आखिर अपनी पत्नी को ही डेरा में क्यों उतारना पड़ा, और एक सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये कि जिस जहां पे माइका के गांव का नाम किया नलसुआ का, वो तो गरली परागपुर में है और 80 वर्ष से वहां पे उनका कोई घर नहीं है, इस तरह के आरोप भाजपा लगा रही है। जी जेठी जी, डॉक्टर भाजपा साहब, लगा रहे भारतीय तो जनता लोग बता पार्टी, रहे हैं ये। चलो जी जेठी जी, डॉक्टर साहब, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है इनका, चलो अधिकार है बोलने का, बोलते रहे, बाकी झूठ की तो मशीन है भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जहां तक रही ध्वाला जी की बात, तो भारतीय जनता पार्टी में केवल ध्वाला जी नहीं है, अभी पिछले दिनों हमारी इसी चैनल पे चर्चा हुई थी कृपाल परमार के बारे में, वो भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये होती जा रही कि जितने पुराने पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको सबको दरकिनार किया जा रहा है। मुझे ये लग रहा है कि जो किराएदार थे वो मकान मालिक बनते जा रहे हैं और मकान मालिक का उनको बाहर किया जा रहा है। तो जी आज ध्वाला जी जो आपने बात कही अभी, मैं उसको बोलना चाह रहा था, आपने कह दी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ढहिए का हमेशा आरोप लगा। 1998 में पहली बार, हालांकि तब भारतीय जनता पार्टी को मेजोरिटी नहीं आई थी, लेकिन ध्वाला जी को मैं सल्यूट करता हूँ कि अपनी पार्टी के प्रति वफादार थे। उन्होंने मार भी खाई, उन्होंने कांग्रेस में रह के ओथ भी ली, उन्हें उसके बावजूद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। ऐसे एक, देखो राजनीति अपनी जगह है लेकिन अच्छे लोगों की हर जगह कदर होनी चाहिए। ध्वाला जी 2 बार के मंत्री रहे, 1 बार के विधायक रहे, उनके ऊपर कभी आज तक 1 रुपये का आरोप नहीं लगा। आज तक उन्होंने कभी भ्रष्टाचार को अपने आड़े द्वारे कहीं भटकने नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति को आप इतनी जलालत करें, जयराम ठाकुर की सरकार में, अब राकेश शर्मा जी को याद है कि नहीं याद है, एक इनका अदना सा कार्यकर्ता, अदना से पदाधिकारी, महामंत्री, संगठन महामंत्री पवन राणा, उसने इतना इसको प्रताड़ित किया रमेश ध्वाला जी को कि उनको लिख के उस महामंत्री से माफी मांगनी पड़ी।
रिटर्न में माफी मंगवाएगी जयराम ठाकुर ने रमेश ध्वाला जी से। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आज की भारतीय जनता पार्टी नई भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग भी नए नए इकट्ठे कर रही है और पुराने लोगों को ये एक तो होता ना कि चलो एक इज्जत से रिटायरमेंट होता है, ग्रेसफुली रिटायरमेंट होती है, लेकिन ये जलालत करके अपने कार्यकर्ताओं को निकाल रही है पार्टी से। और जहां तक रही ये सारा एपिसोड जो राकेश शर्मा जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने गलती कहां करी, एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए अपनी भारतीय जनता पार्टी का तहस-नहस कर दिया, ये तो वो बात होगी कि 1000 की शर्त जीतने के लिए 10 लाख रुपए गवा दिए। तो एक राज्यसभा की सीट के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो है हिमाचल प्रदेश में बेड़ा गर्क कर दिया। और आने वाले समय में अभी और जैसे मैंने ध्वाला जी का भी इंटरव्यू सुना, खैर उनके अपने विचार है और ठीक है, दुखी व्यक्ति तो अपनी बात रखेगा ही। और जहां तक राकेश जी ने कहा कि वो तो बात पुरानी होगी, वो राम विरोधी को कैंडिडेट बना दिया, राम विरोधी तो जीतनराम मांझी सबसे बड़े राम विरोधी रहे, उनको आज मोदी जी के कैबिनेट में स्थान मिला, राम के खिलाफ उन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। संघ प्रिय गौतम ने राम के बारे में रामायण के बारे में क्या नहीं बोला, वो जब भारतीय जनता पार्टी में थे, योगी जी के मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल के उनके सदस्य रहे। तो ये तो फजूल की बात है कि राम विरोधी और ये राम प्रमुख कहां से ये लोग आ गए। लेकिन बात इतनी है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जो भारतीय जनता पार्टी आज इस हिमाचल प्रदेश में जो ये खेल खेल रही है, ये हिमाचल प्रदेश में तो आज तक कभी नहीं हुआ। ये जो सत्ता हथियाने के लिए अब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी पहले बोलते रहे कि भाई 4 जून को 2 सरकारें बनेगी, भी कहां से 2 सरकारें बनेगी, किस कौन से आपका मैथ का प्रोफेसर था, किस आप स्कूल में पढ़े। अभी उनका मैंने कल फिर बयान पढ़ा कि जल्दी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और तो और आज मैंने अनुराग ठाकुर जी का बयान पढ़ा, अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा कि 3 हम जीत जाएंगे, उसके बाद 6 पार्लियामेंट की सीटें चली जाएंगी, 6 पार्लियामेंट की सीट भी हम जीत जाएंगे, जो सीपीएस की सीटें भी हम जीत जाएंगे, उसके बाद हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये लोगों को यार इतना क्या, हिमाचल के लोग क्या मूर्ख है, क्या अनपढ़ है, क्या लोगों को रोटी को चोची बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता। आप कहां इतने बड़े बड़े नेता है, अनुराग ठाकुर कितने बड़े नेता है। अब वो ठीक कहा ध्वाला जी ने कि 5 बार का जीता व्यक्ति उसको मंत्री नहीं बनाया, जेपी नड्डा जी को मंत्री बनाता है, उसको आप हिमाचल के कोटे से गिनते हैं, लेकिन गुजरात वाले बोल रहे हैं वो तो हमारे कोटे से केंद्र में मंत्री बने। तो ये झूठ की सत्ता ज्यादा नहीं चलती, आपको एक्सपोज तो एक ना एक दिन होना पड़ेगा। और पिछले 3 चुनाव में 6 चुनाव जो पार्लियामेंट के, 4 तो घर बैठ के, और ये आने वाले जो 10 जुलाई है, ये 3 जो है ये भी घर बैठेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गोद लेने का काम शुरू किया ना कि जो भी आ जाए हम उसको गोद लेने को तैयार है, कम से कम कोई आप खुद ही तारीफ कर रहे हैं। अजय जो पठाने जी ने कहा है कि भाई कांग्रेस ने और राजेश शर्मा जी ने थोड़ा विरोध दर्ज किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनके पास गए, उनकी श्रीमती जी उनके पास गई, उनको मनाया जैसे तैसे। यार अपने कार्यकर्ता को बंदा नेता नहीं मनाएगा, कौन मनाएगा। देखो सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, शादियों में मनाया जाता है रिश्तेदारों को, और जो राजनीतिक जीवन है उसमें चुनाव में ही मनाया जाता है। ये दो ही हमारे राजनीतिक जीवन और चुनावी जीवन में हमारे वक्त आते हैं जब रूठों को मनाया जाता है और रूठों को अपनी बात कहने का एक अवसर दिया जाता है कि मैं अपने दिल की भड़ास निकालूं। तो भारतीय जनता पार्टी जो दिख रही है आने वाले समय में, वो ठीक है आप देश में भी कोई इनकी ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, 400 पार से 240 पे आगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का और ग्राफ गिरेगा। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस में कुछ नहीं कर रही, डॉक्टर साहब कांग्रेस ने इसमें कुछ ना किया, ना कांग्रेस का योगदान है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आपस में लड़ मर कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम हिमाचल में तो समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। जी उदयवीर जी, जाहिर है कि ध्वाला जी की इस नाराजगी का लाभ कांग्रेस को मिलेगा, ये कितना देरा में मिलेगा, कितना हमीरपुर में मिलेगा और कितना नालागढ़ में मिलेगा, क्या आकलन लगाए जा सकते हैं इसके। देखिए डॉक्टर साहब, अगर मैं देहरा से शुरू करूं तो देहरा में एक बात तो तय है, कांग्रेस की इतनी काबिलियत नहीं है, ये भी सच्चाई है कि बड़ा इजीली उस चीज को ग्रैब कर ले जाके। ये सारी लापरवाहियां, ये सारी बेवकूफियां बीजेपी की हैं जिसमें कांग्रेस को एज मिल रहा है। और ये भी आज की डेट में एक हकीकत मानी जा सकती है कि जिस तरह से इतना हैवी वेट कैंडिडेट मिसेस चीफ मिनिस्टर का यहाँ पर होना, और उसके बावजूद बीजेपी का कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए, चाहे झूठ के सहारे टक्कर दे रही हो, चाहे जैसे मर्जी टक्कर दे रही हो, पर बीजेपी ने कहीं ना कहीं जान तो संसद में डाली हुई है, इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते। तो देहरा में तो सीधी सी बात है कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर, मिसेस चीफ मिनिस्टर है, और कांग्रेस के कैडर की बात करूं तो वो टोटल और टोटल जगत सुखू भाई जो है, सुखू भाई के कंधों पर सवार है।
इनका मेरे को वहां पर कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जिससे ये कहा जाए कि कांग्रेस का संगठन है की बात, तो वो वहां पर है। लेकिन जो बीजेपी के आला नेता हैं, उनकी जो नालायकियां हैं या उनकी जो सियासत में उनसे जो गलतियां हुई हैं, उनकी वजह से वो भी काम नहीं कर रहा है। तो यहां पर एक एज तो मैं कांग्रेस को दे रहा हूं, लेकिन एज दे रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सिक्योर सीट है, क्योंकि मैं कल भी देरा में था तो वहां पर एक इलाका ऐसा है जो कि हरिपुलेर से आगे और हरिपुर और गुलेर के बीच में जो एक नदी पड़ती है बनेर बंडेरखंड, उससे आगे कांग्रेस के लिए कोई ज्यादा खुशियां नजर नहीं आ रही हैं, ये भी एक हकीकत है। बट वहां पर ये है, वहां पर बीजेपी का भी अपना कुछ नहीं है, वहां पर होशियार सिंह का अपना कैडर है, और जब बीजेपी वहां पे मेहनत नहीं करेगी तो होशियार सिंह का जो अपना कैडर है, दो 10-12 पंचायतें हैं उस तरफ को, वो कितना सा बैकअप देती हैं वो एक देखने वाली बात होगी। अगर आपके हमीरपुर की बात करूं तो वहां मैं खुद तो नहीं गया वहां पे ग्राउंड पे, लेकिन ये खबरें तो जरूर आ रही है कि कांग्रेस के संगठन का वहां पर भी भट्टा बैठा हुआ जिस तरह से देरा में बैठा हुआ है। और ये भी एक हकीकत है कि वहां पर प्रोफेसर धूमल जब आए थे तो उनके ऑरे की वजह से कांग्रेस का भट्टा बैठा हुआ था, वो जो आज तक सीधा नहीं हो पाया है वहां पर। इस लिहाज से आशीष का एक लिटिल बिट थोड़ा सा एज जो है वो वहां पर नजर आ रहा है। रही बात नालागढ़ की, तो वहां पर 3.5 साल वाला जो अभी एक ट्रेंड चला हुआ कि 3.5 साल तो हमारे साथ ही काटने, विपक्ष में बैठ के कोई क्या करेगा, तो वो एज भी वहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही आ गई सर कि इस मुकाबले में ये जो एक रेडीमेड बीजेपी सामने आई है इन तीनों में, तीनों उपचुनावों में, तो जो ओरिजिनल बीजेपी है उसका रवैया बहुत घातक है आज की डेट में। हालांकि बीजेपी के हाईकमांड ने फंसाने की कोशिश करी, बिंदल को देहरा में टांग के रख दिया, क्या कहते हमीरपुर में अनुराग ठाकुर को सूली पे रख दिया, नालागढ़ में जयराम ठाकुर को सूली पे रख दिया, तो इन्होंने फंसाने की कोशिश तो की है। अगर ऐसा ही होता तो सर इन्होंने, मुदेवीर जी आपको करेक्ट करूंगा, इन्होंने 3 दिन पहले स्ट्रेटेजी बदल दी है। वो अच्छा, आप क्या कह रहे हो सर? मेरे नोटिफिकेशन नाम की होगी, फिर इनको लगा कोई भी जीता जा सकता है, कोई भी हारा जा सकता है, अब सारे नेता सब में जाएंगे, ये स्ट्रेटेजी बदल गई। और एक मैंने देरा और हमीरपुर का भी दौरा किया, वहां पे एक चीज दिखी, ठीक है मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, मिसेज चीफ मिनिस्टर चुनाव लड़ रही है, पूरी ताकत झोंक दी गई है देरा में, कोई कमी नहीं की गई है, लेकिन भाजपा जो है, भाजपा के पास मुद्दे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ढंग से नहीं बुना पा रही है। सर बुनवाएंगे किससे? बहुत बड़े नेता का, बड़े नेता का कहना था कि इल्जाम भी हैं लेकिन लगाने का साहस भाजपा का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व नहीं कर रहा, उनके मुंह में दही जम जाता है। हमीरपुर में भी यही स्थिति थी, ठीक यही स्थिति थी, और उस दिन था मैं जिस दिन रेड पड़ी इनकम टैक्स की वहां पे, ठीक है, और किसी ने दम नहीं दिखाया, किसी ने आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं, और चुप्पी साध रखी है, इसलिए वर्कर भी जो जुड़ा हुआ है, पुराना वर्कर है, वो भी पसोपेश में है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा। ये दो हलकों में मैंने देखा जाता, बिल्कुल इन दो हलकों में, तो आपने बिल्कुल सही आंका है। अगर इसी राज्यों में अगर हम नालागढ़ को भी डाल लें सर, तो ये तय है कि बीजेपी बड़ी बुरी तरह से यहाँ पर फंसी हुई है, और इतनी बुरी तरह से फंसी हुई है कि जो हर तरह की लीडरशिप जो है वो झोंकनी पड़ गई है इन्हें, कि आप उनको वहां पर जाकर देखिए, आप उनको संभालिए, नहीं तो सर इतना बड़ा उपचुनाव जो भी है इतने हाई एंड पर नहीं लड़ा जाता है, ये हिमाचल की जनता भी जानती है, आप जैसे सीनियर पत्रकार भी जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जितनी बड़ी गलती थी उतना बड़ा एक तरह से जो खामियाजा है वो अभी भाजपा कुछ हद तक तो भुगती हुई नजर आने शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब जी, और एक जो पुलिस के नाकों की बात कर रहे हैं, मैंने बॉर्डर पे तो देखे जहाँ कंस्टिट्यूएंसी शुरू होती है, अंदर नहीं देखे मैंने। नहीं सर, आपने देखे क्या? क्योंकि आप अंदर तक भी गए नहीं, नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी दो ढाई मैं 1-1.5 बजे तक आपके इस चैनल के माध्यम से, डॉक्टर साहब मैं इस चैनल पे जुड़ा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं उस क्षेत्र का नाम भी लेना चाहता हूँ, मैं नैरटी पंचायत है उसके चौक में स्कूल है, स्कूल में पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस वालों ने नाका लगाया था, मैं गवाह हूँ इस चीज का, मैं पूरे क्षेत्र में तो नहीं घूम रहा हूँ लेकिन उसका मैं गवाह नहीं, पर नहीं, मैं आपका आरोप था कि गली गली सड़क पे नाके
पुलिस पूरी तरह जो नाके इन्होंने लगाए हुए हाईवे पे भी, वहां पे भी टूरिस्ट भी आ रहा है, सब आ रहा है, उनकी गाड़ियां हाईवे पे तो नाके होंगे ना जी। अगर हम पांच पांच बार जा रहे हैं तो पांच बार गाड़ी को चेकिंग होगी उसकी, स्थानीय लोग जा रहे हैं पांच बार, तो पांच बार कितनी डिस्टर्बेंस हो रही है। देखिए राकेश जी, ये सारी बागडोर जहाँ पे चुनाव होता है निर्वाचन आयोग के पास आ जाती है पूरी बागडोर, तो आप निर्वाचन आयोग से कह के नाके नाकों के खिलाफ आप बात कर सकते हैं कि नहीं इतने लोग परेशान हो रहे हैं, वो आपकी तरफ से मुद्दा उठाया जाना चाहिए। चलो हाईवे पे तो मान सकते हैं, गांव-गांव पे नाके, गांव-गांव में लोगों को डराया जा रहा है, जो कंस्पिरेसी होगी नाकों में सर उसमें तो नाके लग रहे हैं अब ये बात। चलिए पठानिया जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है मैं बोल रहा हूँ कि दुकानदारों के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है कि आपने झंडा लगाया भाजपा का तो आपके पास फूड इंस्पेक्टर भेज देंगे, आपने लगाया तो रेड करवा देंगे, डिपो आपका बंद करवा देंगे, इस तरह की घटिया राजनीति पे आ चुके हैं। और दूसरा मैं इनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने बोला कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को रिटायर कर रही है और बाहर से अडॉप्ट कर रही है, लेकिन जो राजेश शर्मा ने पिछली बार चुनाव लड़ा था भाई साहब, डेढ़ साल वो यहाँ पे लोगों की समस्या को लेते रहे, काम करते रहे, और जिसकी चलती उसकी क्या गलती, मुख्यमंत्री की बीवी आ गई, उस बेचारे को साइडलाइन करा दिया और बिठा दिया, उसके ऊपर भी कितना दबाव होगा। उस वक्त कह रहे थे कि मैं मर जाऊंगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, जिम्मेदार होंगे इस राज्य के मुख्यमंत्री, मेरे मेरे घर को मेरे बच्चे को मरवा देंगे, इसके जिम्मेदार होंगे मुख्यमंत्री। क्या दबाव पड़ा है, क्या दबाव डाल दिया मुख्यमंत्री ने, उस बेचारे के हॉस्पिटल भी हैं, उन्होंने होटल भी खरीदा है, कहाँ छापे मरवा देंगे, कहाँ अंदर करवा देंगे उसके बाद, इसलिए वो भी डरा हुआ बेचारा हमारा राजेश शर्मा कांगड़ा से जो है यहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं, इसलिए घबराए हुए हैं। ये वो साथ अंदर खाते में क्या होने वाला है डॉक्टर साहब, अंदर खाते में क्या होने वाला है ये 13 तारीख को ही पता लगेगा। और यहाँ से मैं आपको आज बता रहा हूँ, ठीक है कितना भी प्रेशर डाल लो लेकिन प्रेशर में ये जनता जीतने वाली नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। जेठी जी, जेठी जी जो इनकी बात है उसका मूल अभिप्राय ये है कि वहां पे कांग्रेस की लीडरशिप में एक है चर्चा देहरा के अंदर भी और कांगड़ा के अंदर भी कि क्या कांगड़ा के लीडर खत्म हो चुके हैं कि हमें नादौन से मिसेस चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे टिकट देना पड़ रहा है, कांगड़ा की लीडरशिप के अंदर और वर्कर के अंदर एक सवाल है ये उठ रहा है, क्या ये दाव सीएम ने सही खेला है कि क्योंकि कांगड़ा में कोई नेता ही तैयार नहीं हो पा रहा, ये बात राकेश जी की भी जानी। जैसे राकेश शर्मा जी ने जितनी सिंपथी राजेश शर्मा जी के प्रति दिखाई है, कांग्रेस के जो नेता है अगर इतनी सिंपथी अपने कार्यकर्ताओं के प्रति दिखाए तो भारतीय जनता पार्टी शायद ठीक रास्ते पे चल पड़े। और दूसरी बात, इनको सिर्फ एक पुरानी याद दिलाना चाहूंगा, जहां तक कह रहे भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक होता है, 1998 में ही महेंद्र नाथ सोफत सोलन से एक वोट से जीत गए थे, लेकिन बाद में उनको 26 जब रिकाउंटिंग तीन बार रिकाउंटिंग हुई तो 26 वोट से वो हार गए। उसके बाद उन्होंने रिट पिटीशन दायर करी और अपने दम के ऊपर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा और सुप्रीम कोर्ट से वो जीत गया। अकॉर्डिंग टू महेंद्र नाथ सोफत की मिस में पार्टी ने मेरी मदद नहीं करी, मैं अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट तक गया और वो जीत गए, चुनाव रद्द हो गया सोलन का। अब जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव जीता हो और टिकट दे दी गई राजीव बिंदल को, अब क्या उस व्यक्ति का हाल हुआ होगा ये तो मेरे ख्याल पॉलिटिकल आदमी सभी जान सकते हैं। और जहां तक रही आपने कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी, मैं दाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, हिमाचल प्रदेश में ऐसा योद्धा मैंने पहली बार देखा कि जिसने पार्लियामेंट के चुनाव में अपने दो विधायक दाव पे लगाए, हालांकि इतनी क्रिटिकल पोजीशन होते हुए भी एक एक एमएलए की जरूरत थी, उसने दो विधायक अपने दाव पे लगाए। कमलेश ठाकुर वो कांगड़ा की है या कहाँ की है ये विषय नहीं है आज की डेट में, लेकिन विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा एक हौसला दिखाया हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, अपनी अपनी पत्नी को उन्होंने चुनाव में उतारा, कल को परिणाम कुछ भी हो लेकिन वो आंच आएगी मुख्यमंत्री के ऊपर। क्या भारतीय जनता पार्टी में ऐसा दम दिखाने वाला कोई नेता है? क्या जेपी नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं? हम देखते हैं कितना दम है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के ऊपर। वो हिमाचल की बेटी है, वो कहीं से भी लड़ सकती है चुनाव। आप बताए कोई आपका नेता जयराम ठाकुर कहीं बाइक कंगना रनौत को लाने की क्या जरूरत थी डॉक्टर साहब? जयराम ठाकुर ने क्यों चुनाव? चलिए चलिए वो आदान प्रदान चल रहा है, लेकिन मंडी से ही है, कहीं पहली बार महाराष्ट्र का घर है,
अभी उसकी स्टेट सर सुनो, महाराष्ट्र में रह रहा है। इस इतिहास में हिमाचल प्रदेश को विराम दे रहे हैं, कंगना जी की तरफ हम भी जाना चाहेंगे। मंत्री अपनी धर्मपत्नी को चुनाव बना रहे हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं एक ज्वाला दहक रही है, और रमेश धवाला जी का एक इंटरव्यू आता है उससे भाजपा बैकफुट पे चली जाती है। अचानक ऐसा इंटरव्यू होता है कि दिल खोल कर उन्होंने जो भाजपा के अंदर ज्यादतियां उनके साथ हुई हैं, काडर के साथ जो हो रही हैं, और नई भाजपा नई जो लीडरशिप है उसको लेके उन्होंने रोष व्यक्त किया है कि जलालत भरा माहौल उन्होंने देखा है। और उन्होंने कह दिया कि मुझे तो धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया, यानी कि मूड में नहीं है, क्योंकि वो द्वाला जी भाजपा में रहने के मूड में भी नहीं लग रहे हैं। और उन्होंने कह दिया कि ये दिन आ गए कि ऊंट के ऊपर बैठकर भीख मांगनी पड़ रही है भाजपा को। ये बड़े सवाल हैं, इसकी ज्वाला कहीं ना कहीं उसकी तपश देरा उपचुनाव पे भी पड़ेगी, हमीरपुर पे भी थोड़ी बहुत पड़ेगी, और थोड़ी बहुत नालागढ़ में पड़ेगी, लेकिन देरा में ज्यादा पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर आज चर्चा में यही आया कि देरा का चुनाव पूरी तरह से सरकार हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मिसेस चीफ मिनिस्टर वहां से चुनाव लड़ रही हैं, और जगह जगह नाके लगाने की बात हो रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग के ये मामले हैं, सरकार का इसमें सीधा दखल कहीं नहीं रहता। जहां पे चुनाव चल रहे होते हैं सारे प्रशासन और सुरक्षा तंत्र की बागडोर सीधे तौर पर निर्वाचन अधिकारी के निर्वाचन आयोग के पास आ जाती है। तो ये सारे मामलों पे हमने चर्चा की। धवाला ने एक अलख तो जगा दी और ये भी कह दिया कि जो भी मेरे साथ किया गया है सूद सहित वापस करूंगा। उसकी खुली चुनौती आने वाले दिनों में क्या आता है सबकी निगाहें उस पर लगी हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।